हेलो दोस्तों, नट दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि फ़ोनपे में अपना खाता कैसे लिंक करें और खाते का भीम यूपीआई पिन कैसे सेट करें। चलिए इसके लिए चलते हैं हम फ़ोनपे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अपना खाता लिंक करने के लिए हम यहाँ माई मनी पर क्लिक करेंगे। माई मनी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूपीआई बैंक अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना खाता जिस बैंक में है उस बैंक का नाम सर्च कर लेंगे, तो हमारा बैंक का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमारा बैंक खाता यहाँ इंडसइंड बैंक में है, तो ये हमारे अकाउंट की डिटेल्स फेच कर रहा है। अब देखिए, हमारा यहाँ पर अकाउंट नंबर आ चुका है और ये हमारे अकाउंट की सभी डिटेल्स हमें शो हो रही हैं। अब हम अपना भीम यूपीआई पिन सेट करने के लिए सेट भीम यूपीआई पिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये हमारे डेबिट कार्ड के डिटेल्स मांगेगा, जिसमें एटीएम कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट और एक्सपायरी डेट हमें डालनी होगी। चलिए हम डालते हैं अपनी डिटेल्स और एक्सपायरी डेट। डालने के बाद एटीएम कार्ड की डिटेल्स डालने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपको एक ओटीपी भेजेगा और आप अपना 6 अंकों का यहाँ से पिन सेट करेंगे। देखिए, हमें यहाँ पर एक ओटीपी आ चुका है। यहाँ पर अपना ओटीपी डालेंगे और यहाँ पर राइट के निशान पर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। भीम यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट। देखिए, हमारा यहाँ पर भीम यूपीआई पिन जो है सक्सेसफुली सेट हो गया है। यहाँ पर हम अपना भीम यूपीआई पिन चेक करने के लिए यहाँ पर हम चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे और ये थोड़ा लोड कर। हम यहाँ पर अपना भीम यूपीआई पिन डालेंगे। यूपीआई पिन डालने के बाद राइट पर क्लिक करेंगे और ये हमारा बैलेंस लोड कर रहा है। दोस्तों, हमारे अकाउंट में अभी 0 रुपया है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोनपे अकाउंट में अपना खाते को लिंक कर सकते हैं और उसका भीम यूपीआई पिन आसानी से सेट कर सकते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि फ़ोन नंबर से और किसी के बैंक खाते में फ़ोनपे से पैसा कैसे भेजें। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और यदि आपका कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।